अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कल आप लोगों ने फोर्स के बारे में पढ़ा था, आज आप इनर्शिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इनर्शिया आपके पास क्या होता है? उससे पहले एक साइंटिस्ट था गैलीलियो, जिसने ये ऑब्जर्व किया था कि अगर कोई आपके पास भारी चीज़ है, ठीक है, वो अगर रेस्ट पे है तो आपने उसको मूव करना है, मुश्किल होगा। अगर वो हरकत कर रही है, आपने हरकत करते हुए उसको रोकना है, वो भी मुश्किल होगा। बनिस्बत उस चीज़ के जिसकी वेट कम है, जिसका मास कम है, यानी कि अगर कोई हल्की चीज़ है तो उसको हरकत करना भी आसान होगा। अगर आपने उसको हरकत करवानी है तो उसको हरकत करवाना भी आसान होगा। इस तरह से अगर आपके पास कोई चीज़ जो कि हल्की है, वो पहले से हरकत कर रही है, उसकी हरकत को स्टॉप करना भी आपके लिए क्या होगा? आसान। फिर आपके पास न्यूटन ने कंक्लूड किया कि जितनी भी बॉडीज़ हैं यूनिवर्स में, वो सारी क्या करती हैं? रिजिस्ट करती हैं। रिजिस्ट मतलब मुखालफत करती हैं किस चीज़ की? अपनी हालत में चेंज लाने पर। अपनी हालत में चेंज यानी कि किस कितनी हालतें होती हैं किस चीज़ की? दो ही हालतें होती हैं, या तो वो रेस्ट में होती हैं, ठीक है, या तो वो किस में होती है? मोशन में होती हैं, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि रेस्ट में और मोशन में किस तरह से रेजिस्ट करती हैं, तो अगर मैं आपको कहती हूँ कि एक बस जो है, ठीक है, बड़ी बस मूव कर रही है, ठीक है, अगर मैं चाहती हूँ कि मूव करती हुई बस क्या हो जाए? स्टॉप। तो ये क्या करेगी? रेजिस्ट करेगी। किस तरह से रेजिस्ट करेगी? वो चाहेगी कि मैं हरकत ही करती रहूँ, ठीक है, वो अपनी स्टॉप होने पर क्या करेगी? रेजिस्ट करेगी। इसी तरह से अगर कोई बस जो है, अभी किस में है? पहले ये किस में थी? मूव में थी। अभी किस में है? स्टॉप है। अब हम चाहते हैं कि हम इसको क्या करवाएं? मूव करवाएं, मोशन करवाएं। तो इसको मोशन करवाने के लिए हम इस पर क्या लगाएंगे? फोर्स। तब भी क्या करेगी? ये रेजिस्ट करेगी। रेजिस्ट क्यों करेगी? वो चाहेगी कि अगर मैं इस वक्त रेस्ट पर हूँ, स्टॉप हूँ, तो मैं क्या करूँ? रेस्ट में रहूँ। तो चीज़ों की वो प्रॉपर्टी जिसमें वो अपनी हालत के बदलने के ऊपर क्या करते हैं? रेजिस्ट करते हैं। वो कहते हैं मैं जिस हालत में हूँ, मैं उस हालत में ही रहूँ। तो वो किसी बॉडी की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? उसका क्या है? इनर्शिया है। यानी कि समझ, एक जिद्दी बच्चा है जो अपनी हालत को चेंज नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि अगर वो हरकत में है तो हरकत में ही रहे, कोई इसको चेंज ना करे उसकी हालत को। और अगर वो रेस्ट पे है तो वो चाहता है मैं रेस्ट पे रहूँ, मेरी कोई हालत चेंज ना करे। तो ये किसी बॉडी की प्रॉपर्टी जिसमें वो अपनी हालत को चेंज ना करने पर रेजिस्ट करती है, वो उसकी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? इनर्शिया। इनर्शिया क्या हुआ? जिसका मास ज़्यादा, उसका इनर्शिया भी क्या होगा? ज़्यादा। इस तरह से जिसका मास आपके पास कम होगा, इस तरह से उसका इनर्शिया भी जाहिर बात है कम ही होगा। ये इनर्शिया की डेफिनेशन, आप लोगों ने इनर्शिया की डेफिनेशन याद करनी है। इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट स्टेट और रेस्ट ऑफ मोशन। यानी कि अगर वो रेस्ट में है या मोशन में है, तो वो अपनी हालत के चेंज करने पर जो रेजिस्टेंस लगाती है, जो मुखालफत लगाती है, वो उसकी क्या होती है? इनर्शिया। आप देखो यहाँ पे एक एग्जांपल, उसने एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है। ग्लास के ऊपर उसने कार्डबोर्ड का टुकड़ा रखा और उसके ऊपर उसने एक कॉइन रख दिया। अब हम मुझे बताएं, कार्डबोर्ड जो है वो हल्का होगा, जहरी बात है, और जो कॉइन है उसका मास क्या है? ज़्यादा। जिसका मास ज़्यादा, उसका इनर्शिया भी ज़्यादा। अब मैं कहूँगी कि अगर मैं इस कार्ड को, कार्डबोर्ड का जो है टुकड़ा, इसको मैं अगर फिंगर से फ्लिक करूँ, मतलब मैं इसको आगे की तरफ मूव करवाऊँ, तो क्या होगा? मुझे बताएं, कार्ड के साथ मूव करने पर क्या कॉइन भी मूव करेगा? नो। क्यों नहीं मूव करेगा? क्योंकि कार्डबोर्ड का इनर्शिया कम था, वो इजीली मूव कर जाएगा, जबकि कॉइन का इनर्शिया ज़्यादा था कार्डबोर्ड से, इसलिए वो मूव नहीं करेगा और वो नीचे ग्लास में गिर जाएगा। तो इनर्शिया ने क्या किया? हैवियर चीज़ जल्दी मूव कर गई और लाइटर चीज़ मूव, हैवियर चीज़ जो है वो देर से मूव की और लाइटर चीज़ जो है वो जल्दी से मूव कर गई। तो ये इसका क्या हुआ? इनर्शिया। इस तरह से यहाँ पे देखिए, अगर आप एक कागज़ की स्ट्रिप के ऊपर कॉइन जिस तरह से रखें और कागज़ किस तरह से खींचें, तो क्या होगा? कॉइन्स जो है वो हरकत नहीं करेंगे, जबकि कार्ड जो है हरकत कर लेगा। क्यों? क्योंकि कार्ड का जो पेपर जो था, इसका इनर्शिया कम था और इन कॉइन्स का इनर्शिया ज़्यादा था। तो इसने क्या किया? अपनी हालत के ऊपर अपोज किया, यानी कि इनर्शिया ज़्यादा किसका होगा? जिसका मास ज़्यादा है। तो आप ये भी कह सकते हो इनर्शिया और मास डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है।